ऑक्सीजन भारी किल्लत ने लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। अब ऑक्सीजन के लिए लोग एक दूसरे को जान से मारने पर भी उतारू हो गए हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है गुजरात के कच्छ से, जहां पर कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाली कंपनी के अंदर घुसे और वहां के कर्मचारियों को धमकाया, गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों और बदमाशों में ऑक्सीजन रिफिल को लेकर विवाद हुआ और सभी बदमाशों ने कर्मचारियों पर बंदूक तानी और मारपीट करने लगे। एक बदमाश ने लगातार 3 बार हवा में फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 4 बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद से ऑक्सीजन सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि भचाऊ नगर के निकट मोटा चिराई गाँव में ऑक्सीजन भरने के एक संयंत्र के रास्ते को रुकावट पैदा कर रहे वाहन को लेकर कुछ लोग नाराज हो गए और उनकी वहां इंतजार कर रहे लोगों में से एक अन्य समूह से झड़प हो गई, जिनमें एक शख्स ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया है। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को इलाज के लिए ना बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।